कहते हैं कि अगर कोई बंदा पूरी जिंदगी हज उमरा न कर सके फौत हो जाए तो क्या उसको भी सवाब मिलेगा? जब उसने किया नहीं तो सवाब क्यों मिलेगा? तुम जब तक कोई तुम्हारी नौकरी न करे तनख्वाह देते हो, तो उसने उमरा किया ही नहीं तो उसको कैसे सवाब मिलेगा? हाँ, एक हल है, अगर तुम उसको सवाब पहुंचाना चाहते हो तो तुम खुद उमरा करो तो उसको पकड़ दो, बदल दबाता फिर उसको भी सवाब अता फरमाएंगे। हसन भाई अमरीका वालों के वालिद साहब का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह उनको शिफाए कामला सकत इलाज अता फरमाए, अल्लाह हर बीमार को शिफाए कामला अता फरमाए। एक औरत है जिसको कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने तक जिंदा रहेगी। भाई किसी को क्या पता है, मातदरी नफ्सुन मादा तक्सिब बदन और मातदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं पता है कि वो कब होगी। तो डॉक्टरों के अंदाजे होते हैं, वरना अल्लाह के हाथ में वो 6-7 दिन का रहे, अल्लाह के हाथ में 6 दिन के बाद उसको मौत आ जाए। 12 साल कैंसर का चूंकि उनके पास इलाज कोई नहीं है, इसलिए मजबूरन वो बता देते हैं कि घर वाले जो है उनको पैसे कबर हो के इस बीमारी में ही मुबतला है। तो मेरी तरफ से एक तजुर्बा है कि अल्लाह के कुरान की आयत है, काशिफा, ये सूरत नजम की आखिरी आयत है। तो अगर इस आयत को 1001 दफा पानी के बड़े जोर में पढ़ के दम करके रख लें, चाहे 3-4 आदमी मिलकर पढ़ लें, तो वही पानी उसको पिलाते रहें, वही उसके ऊपर बांटते रहें, वही जख्म वाली जगह पर ऐसे छठे मारते, और जब खत्म हो तो फिर और पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर है तो कैंसर भी खत्म हो जाए। मेरे अपने एक दोस्त थे, वो उन्होंने मुझे पाकिस्तान से खत लिखा था कि आप मेहरबानी करके दुआ करें, मुझे कैंसर है, कि अल्लाह मुझे उम्र नसीब करे। मेरी तमन्ना है कि एक दफ़ा मैं काबा शरीफ देख लूँ, ज़ियारत कर लूँ, मदीने शरीफ की हाजिरी दे दूँ। मतलब मरना तो है, मौत पर हक है। तो बहरहाल जब वो यहाँ आए बेचारे तो वो भी चेयर पे थे, चलने की ताकत नहीं थी, ऐसे वो कह रही। मैंने उनको ये बताया, उन्होंने कहा जी ठीक है, क्योंकि वो दुखे थे ना जी, तो उनके जो साथी थे सब ने मिल के वो पढ़ा, उसको पिलाते रहे, फिर मदीने शरीफ चले गए, फिर पिलाते रहे, फिर वापस आए पिलाते रहे। तो पापा जब आए तो मुझे मिलने के लिए आया, बगैर भी किया। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मेरा कैंसर भी खत्म हो गया है, मैंने यहाँ डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने कहा आपको कैंसर है ही नहीं। तो मैंने तो अभी दो दो तीन दिन दवा करता हूँ तो मुझे थकान भी नहीं होती। मैंने कहा अल्लाह ने तो शिफा का जरिया बना दिया। भाई की शादी हुई तो बारात की रात सुबह छत पर बहुत सारा नींबू पड़ा हुआ था। अच्छी बात है, मुझे नाच ने तो खुशी में शरीक हुए हुए, किसी के बाप से तोड़ के गए हुए। क्यों काम करते हो बिना वजह? मुझे सांप में सांप और शक्कर ही नजर आते हैं, उसकी ताबीर यह है कि उनको मार डाल, माना यह है कि दुश्मन है, किसी को न बताया करो ऐसा खाओ। मेरी खाला को कैंसर है और हालैंड में रहती है, ये मैंने वजीफा भी बता दिया है, दुआ भी करता हूँ अल्लाह शिफा। मेरी वालदा मेरे पास है, मेरा वालद फौत हो गए, वालदा का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, उसके बावजूद मेरी वालदा ने बैंक में रकम फिक्स कर रखी है और हर माह उसमें दफा प्रॉफिट लेती है। हम सब बहन भाई ने मना कर रखा, ये बिल्कुल सूद है, हराम है, नहीं लेना चाहिए उसको। पैसे निकाल लें, किसी और चीज में डाल लें, कोई प्लाट खरीद ले, कोई दुकान खरीद ले, वो 2-4 साल के बाद उससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, इतना सूद के आराम भी मिलेंगे। मैं भी जब वीजे पे आया हूँ, अब अगर मैं पैर जाऊँ या जिंदा जाऊँ तो उमरा करना पड़ेगा, हम करना पड़ेगा। ताइफ से तो हर हाल में नाते मैं कि वो भी खास है,
जितना जो है वो मीकात तो नहीं है, लेकिन करें दुबरा कर सकते हैं। मैं बगैर क्योंकि ममनू था और आप मनी आराम नहीं पा रहा था, जिसे आ गया उम्रे के लिए मैंने मस्जिद आयशा से आराम पा रहा, ठीक है कोई दम नहीं, आप अगर मजबूर न दे तो फिर था मैंने आराम की आदत में उन कदम को चमट के दुआ मांगी, वहां खुशबू लगी हुई थी। कोई माना है कि अगर खुशबू लग जाए, लगे भी खुशबू तो काबू चलना में जब भी आप जाएंगे खुशबू आएगी। दम पड़ जाए तो क्या करें, एक बकरी बकरा दूंगा जो भी है, देख जिम्मे करके तकसीम कर गया नींबू को खिला दे। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रज़ाक है, हजरत शेख और हदीस मौलाना वाजिद यूसुफ रुशानी की फैमिली में से हूँ। मौलाना की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। तो आप बिल्कुल बड़ी मेहरबानी वाले हूँ, सलाम अलहमदुल्ला। जमजम के पानी से चाय बना सके बिल्कुल बना सकते हैं, जमजम भी एक पानी है। मेरी शादी नहीं हो रही, सूरत रहमान तीन दफा रोज पढ़ के दुआ किया था। हमारे घर वाले इनाम बांध के आए थे, यहाँ पहुंचने के बाद वो दिमाग में नहीं रहा, दो तीन घंटे इनाम खोल दिया, फिर बात के लिए थोड़ा काम किया, ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए जब जाएंगे तो वहां उल्विदा बिल्कुल वाजिब। अगर किसी की हवा खारिज हो गई वजू तो करना पड़ेगा, इस्तंजा इस्तंजा कोई जरूरी नहीं, वजू जरूरी। मैं मदीने शरीफ चला गया, वापस जब आया तो मैंने मदीने से आराम नहीं पाता, दम पड़ जाएगी मतलब फौरन तैयार से जाकर हमारा काम। अगर कोई आदमी बच्चे के आराम बांधने के बाद बोल दे, कोई बच्चों के लिए एहराम की आदत में अजर रसूल को चूम सकते हैं, लेकिन अक्सर वहां अतर लगा होता है, अगर अतर लग जाए तो फिर दम पड़ जाएगी। आप इसलिए इशारा कर दे। मदीने से वापसी पर हमारा करना लाती है, बिल्कुल लाती है, जो मीकात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मुझे एहराम बांध के तशरीफ लाए हैं, तो मैं अगर अल्लाह उस मकाम का उमरा दे रहे हैं जहां से हजूर पाक ने किया है तो फिर भी मसले पूछते हो, हर हाल में करे होती है। मस्जिद जीराना से उमरा करें कर सकते हैं, वैसे जो ऐशा से कर सकते हैं, लेकिन वो जो मदीने पाक का है या पैर का, तो मीकात का उमरा। अगर एक आदमी ने उमरा किया, इनाम पाला, तवाफ भी किया, सफा मरवा भी की, लेकिन अभी सर नहीं उठाया था कि नाखून काट लिया, अगर सारे नाखून काट लिए तो सही पड़ गए, अगर एक दो नाखून काटे हैं सदका कर दो आठ दस रिया। मेरी वालदा जो है बहुत हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला इतने लोग बहुत हो गए, सबकी कब्रों पे करोड़ों में हमसे नासिल फरमाए, अल्लाहुम्मा फिर लना वले वालदीना वले वालदे वालदीना वले मशाहिदीना वले साबिदीना वले मन हक पर आलेना वले मन अवसाना वस्तवसाना वले जमीन मुस्लिमीन वले मुस्लिमात वले मुमिनीन वले मुमिनात अल्लाह याए मिनहुम वले अम्वात रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। اللهم نبل ايوهنا بنور الايمان
ذنبر قلوب ولا بنور الإرفان اللهم اغلبنا علوم ولا حديث والقرآن اللهم اصبرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف روآتنا اللهم لا تجعلنا عروة للبالغين لا تجعلنا عروة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك